बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं बनाऊंगी आज 3 कलर की मैक्रोनी, जिसके लिए मेरे पास है ये 3 कलर मैक्रोनी है। प्याज क्यूब्स में कटी हुई 1 अदद, गाजर 1 अदद क्यूब्स में कटी हुई लंबाई में, शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई, बंद गोभी, आलू भी है मैंने वो उबालने के लिए रखे हुए क्यूब्स में कट कर लूँगी, केचप, नमक, ब्लैक पेपर और मायनीज। और मैं मैक्रोनियों को उबालने के लिए रख दूँगी और फिर मैं बाद में आपको बताऊँगी। पानी मैंने चूल्हे में पैन में डाल के रख दिया। अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 ड्रॉप ऑयल का। तो पानी अच्छी तरह से उबल जाएगा, फिर मैं इसमें मैक्रोनियाँ डाल के 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। और ये साथ ही आलू उबल रहे हैं, इनको भी क्यूब्स में कट कर लूँगी। अब हमारे रही पानी हमारा अच्छी तरह से उबल चुका है, अब मैं इसमें मैक्रोनियाँ शामिल कर दूँगी। और इनको 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार हमारा सलाद तैयार हो जाएगा। मैक्रोनी हमारी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है, अब मैं इसको उतार लूँगी और छलनी से छान लूँगी और ठंडा पानी गुजार के थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दूँगी। ये मेरे पास 1 लहसुन का जवा है, इसमें मैंने 1/2 चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल के इसको शाइनिंग के लिए सौते कर लूँगी लहसुन को, और फिर मैं इसको मिक्स में करके डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सबसे पहले मायनीज़ 2 से 3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच केचप के, ब्लैक पेपर, एक चुटकी नमक की। अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज, ये लहसुन है मेरे पास सौते किया हुआ 1 चम्मच, आलू क्यूब्स में कटे हुए, बंद गोभी, शिमला मिर्च। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसमें मैक्रोनियाँ शामिल करके मिक्स करूँ। इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार 3 कलर की मैक्रोनी सलाद तैयार हो चुकी है। इसको बनाएं, बच्चों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखा करें।